अज की इस संगत को मैं परमेश्वर के हाथों के विच सौंपना है और मैं बहुत खुशी है कि जमालपुर की कलीसिया वास्ते अज परमेश्वर ने अपने दास नूं इत्थे भेजा ताकि मैं तुहाडे विच खड़ा होकर परमेश्वर का कलाम बयां कर सकां और तुसी उन्हों बड़ी रीझ ना सुनना क्योंकि ये वचन दे विच बड़ा सामर्थ है। ये वचन जिन्हें जिन्हें ये वचन सुन लिया और उन्हों अपने दिल विच रख लिया वो समझो कि आबाद हो गया, लेकिन जिन्हें सुन के भी नहीं सुनिया वो बर्बाद हो गया। मैं दुनिया च घूमना अपने इंडिया दे विच ते जाईदा ही आ, बाहर दे भी कुछ प्रोग्राम है जिथे ताडे साडे पंजाब दे भैण भरा रहिंदे भावें यूके होवे भावें कनेडा होण, ते उत्थे भी उन्होंने नंबर लाए हुए आ कि फादर जी अगले साल ताडा नंबर इत्थे आ, तो वह भी कोशिश चल रही है। जिथे भी गए साडा एक ही काम है कि प्रभु दा वचन सुनाओ। चिन्ह चमत्कारां दे पिछे नठो ना, कोई फायदा नहीं। साडे बाप दादे वचन सुनदे आए, परदादे साडे वचन सुनदे आ, उन्होंने जो विश्वास ते जो कलाम सानू दे दिता अज ओहो ही साडे अंदर आ, अज ओहो ही साडे अंदर है। यीशु ने चिन्ह चमत्कार किते और जेड़े जिन्हां ने यीशु ते विश्वास किया उन्हां दे जीवन दे विच चमत्कार होए, बाकियां दे जीवन च नहीं होए। उहदे मगर 100-500 बंदा हुंदा है, 1000 बंदा हुंदा है, लेकिन बाइबल दसदी है भावें यूहन्ना दी अंजील पढ़ो, मरकुस दी अंजील पढ़ो, भावें मत्ती दी पढ़ लो, भावें लूका दी पढ़ लो, उहदे च लिखिया कि भीड़ दे विच एक अद्धा ही चंगा हुंदा सी। उह भीड़ दे विच एक औरत सीगी जिहड़ी 12 वरे तो बीमार सीगी, उह कहण लगी अगर मैं इहदे कपड़े दा पल्ला छू लवां ते मैं चंगी हो जावांगी। बाकी सारिया ने तो कुछ होर ही सोचा, कोई रोटी खाण नूं पिछे दौड़दा सी, कोई कुछ करन नूं दौड़दा सी, कोई उन्हूं देखण नूं दौड़दा सीगा, सब अपने अपने तरीके दे नाल। अज ये संगत प्रभु ने सानू दित्ती है, इस करके साडा काम है कि आपां वचन सुनीए और अपने जीवन नूं बदलीए। मेरे नाल ब्रदर संदीप हैं, वह साडी अगवाई करनगे, सानू परमेश्वर दी रूह नाल भरणगे, क्योंकि बाइबल कहिंदी है इब्रानियां दी पोथी संत पौलुस लिखता है कि जद तक पवित्र आत्मा ताडे ते ना उतर आए तुहानू ना समझा देवे ताडे विच्चों कोई नहीं कह सकदा कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। उहदा होना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे काम उही करवांदा हैगा। इस करके आपां रूद ना भरन वास्ते आपां हुण थोड़ी देर वास्ते बंदगी करांगे, वर्शिप विच जावांगे और उहदे बाद वचन सुणांगे। वचन सुनने दे बाद आपां आराधना ते चंगाई और छुटकारे दी प्रार्थना करांगे। इस करके अग्गे दे काम लई मैं ब्रदर संदीप नूं इनवाइट करदा हाँ कि तुहानू आ के परमेश्वर दे विच रूह दे विच भरन और लैके चलन। जयसु, प्रेज द लॉर्ड, जयसु, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोलेंगे जयसु और अच्छा कर सकते हैं आप, जयसु और अच्छा कर सकते हैं जमालपुर वाले, जयसु, हालेलुया। कैसे हैं? हिंदी फॉलो कर सकते हैं, है ना? तो मैं हिंदी में बोलूँगा, फादर जी पंजाबी में बोलेंगे, है ना? तो कॉम्बिनेशन बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला नियम मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी हम साधना चलाते हैं आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए, दांत दिखने चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बड़े प्यार से खुश होकर बोलिए जयसु, हाथ मिलाकर जयसु बोलिए अपने पड़ोसी को। यहाँ पर बोल सकते हैं करेक्ट, हालेलुया। आपने हमारा स्वागत किया, अब मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर पिता यीशु और पवित्र आत्मा का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। जोरदार उस प्रभु की महिमा होनी चाहिए जो हमको यहाँ पर लेके आया, जो आपको लेकर आया, जो हम सबों का पिता है, उसके लिए अच्छे से तालियां बजा के उसका स्वागत। हालेलुया,
तो जैसा कि हमें बताया गया कि हम वचन सुनेंगे, 3 दिन प्रभु यीशु का वचन सुनेंगे। वचन ही जीवन है, वचन ही आत्मा है, वचन ही हमारा भोजन है, ठीक है। 3 दिन हम वचन को सेलिब्रेट करेंगे। तैयार हैं आप? तैयार हैं? कितने लोग तैयार नहीं हैं? हाँ, इसलिए जब मैं बोलूँ तो उसको ध्यान से सुनिएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन को हम सेलिब्रेट करेंगे। वचन से अगर आपको प्यार हो गया, वचन से अगर आपको लगाव हो गया, वचन को आप जीना सीख गए, पढ़ना सीख गए, बोलना सीख गए, आप हर दिन चमत्कार में चलेंगे, हर दिन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन से प्यार हो जाता है, वचन बोलना सीख जाते हैं हम, वचन सुनना सीख जाते हैं, हर दिन आप चमत्कार में चल सकते हैं। बोलिए हालेलुया। तो इस समय हम कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना में बिताएंगे। मैं आपको एक गीत सिखाऊंगा, आप सभी गीत गाएंगे मेरे साथ। तैयार हैं मेरी बहन लोग? तैयार हैं भाई लोग? तैयार हैं क्या? पक्का तैयार हैं? तो मैं पहले गाऊंगा, फिर आप गाना, फिर हम एक साथ गाएंगे, पहले सीख लेते हैं। तैयार? मेरे पीछे पीछे गाइएगा। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। आपकी बारी, गाएं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया, रूह में समा लिया है तुझको। मैं गाऊंगा, उसके बाद आप गाना। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। आपकी बारी है, गाइए। दिल में, रूह में समा लिया है, रूह में समा लिया है बारी है, गाएं, गाएं, गाएं। तेरी तारीफ हो। शाबाश जमालपुर वालों, कम ऑन। और एक बार, एक बार, एक बार। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। सब मिलकर गाएं, पूरा चर्च गाएं। तेरी तारीफ हो, इतना सीख गए? बोलो भाई, सीख गए? ओके, आगे की लाइन है। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, गाएं, गाएं। मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू, मेरे लिए तू गड़ा, गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारी, कम ऑन, कम ऑन, पीछे वाले,
इस तरह के सभी भाई मेरे साथ गाएं एक साथ। तेरी तारीफ हो इतना सीख गए, उसके बाद अगली लाइन। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। गाए, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। और एक बार, तू है सुकून मेरा, जीवन बसर साथ हो यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। आपकी बारी गाएं। तू ही है सुकून मेरा, जीवन बसर साथ हो यही है मेरी दुआ। एक साथ मिलकर गाएं। तेरी तारीफ हो। शाबाश। अपने हाथों को उठाकर एक बार ऊंचे स्वर में गाएं। तेरी तारीफ हो। पूरे हाथ ऊपर उठाएं, पूरे हाथ प्रभु के लिए ऊपर उठाकर आंखें बंद रखकर अब एक साथ गाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी गहराई से। एक और बार गाए। तेरी तारीफ। फिर से गाए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। फिर से गाए और एक बार। सब खड़े हो जाएं, खड़े होकर गाएं। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तालियां बजा के गाएं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तालियां बजा के। तेरी तारीफ हो। तेरी तारीफ हो,
साथ हो यही है मेरी हाथ उठा के तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐशो सब लोग आए तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐशो दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है तुझको दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है तुझको तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु आत्मा से भरकर तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु फिर से गाए तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु बार बार गाते जाए तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ तेरी तारीफ हो ऐ यीशु फिर से और एक बार तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु गाय तेरी तारीफ हो अपने हाथों को उठाए स्तुति करते जाए हालेलुया 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 अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति करते जाए हालेलुया 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 तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी स्तुति अब्बा पिता हालेलुया 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 ऊंची आवाज में मुंह खोलिए मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए इस समय स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हो हालेलुया महान सर्वोच्च परमेश्वर सेनाओं के राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं हालेलुया 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 तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दे जोरदार तालियां बजाएं बोलिए हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी बगल में जो है उसको हाथ मिलाकर बोलना, अच्छे से प्रभु की स्तुति करो, बोलिए हालेलुया हालेलुया। और एक गीत हम गाएंगे इस समय, यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। तो तालियां बजाएं, नाचे प्रभु की महिमा के लिए। आप तैयार हैं? तैयार हैं? मैंने सुना है पंजाब वाले बहुत अच्छा नाचते हैं, नाचते हैं कि नहीं है? तो हम प्रभु के लिए इस समय नाचेंगे। तैयार हैं आप लोग? आवाज कम है, तैयार हैं? कितने लोग तैयार नहीं हैं वाले? हाँ, सब तैयार हैं, इसलिए हम सब मिलकर आनंद मनाते हुए गाएंगे। आइए मिलकर थोड़ा झूमें, थोड़ा नाचें एक साथ, थोड़ा सा झूमिए झूमिए, तालियां बजाते हुए थोड़ा झूमिए और नाच के प्रभु की आराधना करें इस समय। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। यीशु 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। थोड़ा झूमिए, यीशु 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 नाम लोगों को झूमना नहीं आता है, उन्हें मैं सिखा सकता हूं, सीखेंगे। थोड़ा आपको एक स्टेप इधर करना है, एक स्टेप इधर करना है। तैयार हैं मेरे भाई लोग? करके दिखाएं, एक स्टेप इधर कीजिए, एक स्टेप इधर कीजिए, करके दिखाएं सब करके। शाबाश, ऐसे करना है, ठीक है? और प्रभु की स्तुति करनी है। और एक बार ट्राई करते हैं, वन टू। यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के। यीशु मुझे प्यार करता, यीशु मुझे माफ करता, यीशु मुझे प्यार करता, यीशु मुझे। आनंद से गाएं, यीशु देता, गाएं यीशु मुझे चंगा करता, यीशु मुझे। अपने हाथों को उठा के यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। बोलो यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के हाथों को लहरा के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आत्मा यीशु मुझे आनंद देता, यीशु मुझे आत्मा देता, यीशु आनंद और यीशु मुझे तो झूम झूम के गाए यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा, की ओर उठाएं, अपनी आंखें बंद रखें। इस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में, जब आप उसकी स्तुति गा रहे थे उसका आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा था, वो है हमारे बीच में। इस समय अपना मुंह खोल कर सारे हृदय से, सारी आत्मा से, अपनी सारी आवाज से उस प्रभु की स्तुति करते जाइए। अपने मुंह खोल कर आपको प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलते जाइए, स्तुति करते जाइए। जितना मुंह आप खोलेंगे उतनी आशीष से आप भर जाएंगे, जितनी आप स्तुति करेंगे उतनी कृपा आप प्रभु को पाएंगे, उतनी उपस्थिति आपके बीच में आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। होरा रामा सिखा रामा शांठा लाखा रामा मा, हो रामा मा सीराबा शिखा रामा लाबा। स्तुति करते जाएं मुंह खोल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें इस वक्त, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। सच्चे मेरे खुदा, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और कबूल करता है। आज की इस संध्या के समय प्रभु यीशु अपने पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा हमें प्रदान कर, तेरी आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान कर। इस मंच पर अधिकार लीजिए पवित्र आत्मा, मेरे होठों पर, मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरी आँखों, मेरे कान, मेरी सभी इंद्रियों पर अधिकार ले। बोलने वाला मैं नहीं, परंतु हे प्रभु यीशु तेरा आत्मा है जो मेरे द्वारा बोलता है। हे प्रभु यीशु, अपने इन बच्चों को, अपने इन लोगों को आज अपने वचन के द्वारा आशीषित कर, इनके घर, इनके चौकटों, इनके बिछौनों को अपने लहू से मसा कर। हे प्रभु यीशु, तेरा स्वर्गदूत मिखाएल रफाइल गैब्रियल इनके घर में पहरा दें और इनको संरक्षण प्रदान करें। आज की रात्रि हे प्रभु यीशु, इस भवन पर हमारी एक एक वस्तु पर, एक एक चीज़ पर अधिकार लेना। हमारे माइक सिस्टम, लाइट सिस्टम और यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हे प्रभु यीशु, आपकी परिस्थिति के लिए, बंदगी के लिए, आपकी इबादत के लिए और आज के इस सत्संग के लिए, उन सब के ऊपर तेरा आशीर्वाद ठहरे। माँ मरिया, तू हमारी माँ है, तू स्वर्ग की रानी है, तू कलीसिया की माता है, तू दूसरी हवा है, तू सृष्टि की और स्वर्ग की रानी है। हे माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना करो। दूतों और संतों इस जगह पर पहरा दो।
हे प्रभु यीशु, तेरे पाक पवित्र कलाम आज इन लोगों के द्वारा सुना जाए और इन्हें आशीष, चंगाई, छुटकारा और पवित्रता का वरदान प्रदान करे। मेरी प्रार्थना सुनो, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने जने बाइबल लेके आए ने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, तां चक्को जरा वधिया करके। और बाकी जने नहीं ले आए, शायद पता नहीं होएगा या फिर कोई गल नहीं, लेकिन जदों भी आपां संगत विच जाना, कलाम सुन जाना, एक कलाम नाल लेके जाना, इनू चुकना सुख लो। तुसी जेने इनू नहीं चक्या ना, परमेश्वर भी उनू नहीं चकदा है। सिंपल जा मैटर है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, तू मैनू तां कर ते मैं तेनू तां करांगी, तू मैनू उच्चा कर मैं तेनू उच्चा करांगी। परमेश्वर ये कहता है, तू मेरा नाम उच्चा कर मैं तेरा नाम उच्चा करांगा। हे इज़राइल दे घराने, तू मेरा नाम उच्चा कर और मैं तेरा नाम उच्चा करांगा। इन्ना ही नहीं कहता है कि तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों के घर टुटे फुटे पए ने। नबी हगाई का ग्रंथ, हगाई नबी की पोथी, वो पहला बाप, वो पंजवीं ऐत के विच ये लिखा है, जब मेरा घर ही टुटा फुटा पिया होया है तो तुसी आलीशान मकानों के विच और कमरों के विच और घर के विच रहण दी किदां सोच सकते हो। हुण तुसी ये पुछोगे कि परमेश्वर तेरा घर किहड़ा है जिहड़ा टुटिया होया, जिहनूं असी नहीं संवारिया। तो पौलुस लिखता है और कहता है, कुरिंथियां नूं लिखते हुए वह कहता है कि तुसी नहीं जाणदे कि ताड़ा दिल, ताड़ा हिरदे परमेश्वर का मंदिर है, आत्मा का घर है। तो नबी हगाई उस घर के विषय में दसदा है और गल करता है कि परमेश्वर ये कहता है कि जब बंदे का ईमान ही डोलिया होया है। इस करके पाकमान कलीसिया दे मेरे प्यारेओ, अज तुसी अपने मन में इन्हां वचनां नूं लिख लो, इन्हां वचनां नूं लिख लो, इन्हां वचनां नूं गोद लो अपने अंदर, जिवें तुसी टाटू लिखाए होए ने और तरह तरह दीयां चीज़ां अपने हत्थां ते ते शरीर दे उत्ते बनवाईयां होईयां है। उसे नाई परमेश्वर दा कलाम भी साडे दिलां दे विच लिखिया जाणा चाहीदा है, साडे घरां दीयां चौखटां ते लिखिया जाणा चाहीदा है, साडीयां गड्डियां दे उत्ते लिखिया रहना चाहीदा है, साडे बच्चियां दे दिलां दे उत्ते लिखिया रहना चाहीदा। और इनू चुक के सानू चलना सीखना है। ये साडे वास्ते कोई शर्म की गल नहीं होनी चाहिए। साड़ी सारे तो वड्डी कमजोरी एक ये है कि असी कलाम नू खुद नहीं पढ़ते, असी लोकां को सुनने हैं और उदे वेच सानू कोई अद्धा सुना दिंदा, कोई पूरा सुनाउंदा है, कोई अपनी गल कह दिंदा, कोई बाइबल की गल कह दिंदा है और सानू समझ नहीं आती है। जेकर तुसी खुद इस वचन नू पढ़ना, सीखना, याद करना, उदे उत्ते मनन चिंतन करना शुरू कर दो, तो मैं समझना हाँ कि परमेश्वर दी महिमा दे विच तुसी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दी स्तुति होवे, परमेश्वर दी स्तुति होवे, परमेश्वर दी वड्याई होवे, परमेश्वर दी वड्याई होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जिथे किते भी जाना है, मैं दो चार गल्लां कन्वेंशन शुरू होने तो पहले मैं जरूर कहना है, और मैं सवाल भी कई दफा पूछे, संगत नूं ये सवाल पूछे कि तुसी सच्चे मसीह हो या नहीं हो। किन्ने जने कहिंदे कि मैं सच्चा मसीह हाँ, दसो मैनू। किन्ने जने सोचते हैं कि मैं सच्चा मसीह हाँ, चलो। किन्ने जने नूं लगता है कि मैं बड़ा सच्चा है, मैं बड़ा विश्वास, मैं बड़ा प्रभु का भगत है, मैं बड़ा प्रभु का दास हूँ। किन्ने जने लगता, हाथ खड़ा करो, चंगा जहा हाथ से मैनू विखना चाहिए। तो बाकी जड़े बैठे उन्होंने की लग रहा, शैतान के दास हैं, आपके दास हैं, कहते दास हैं, दसो, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। देखो, साड़ा विश्वास जड़ा अधूरा है, साड़ी सिक्ख्या अधूरी है,
साड़ी तलीम जड़ी है शायद मैं समझना कि अधूरी है, क्योंकि ऐसा आप दिल ठोक के कह नहीं पा रहे कि आप मसीह दे हैं या दुनिया दे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि साढ़े अंदर ये अजे तक वचन जेड़ा है रुझिया ही नहीं है, गया ही नहीं है। इस करके मैं समझना है कि सारे झूठे मसीह ने। क्यों? क्योंकि अगर आप कह ही नहीं पा रहे कि मैं सच्चा मसीह हाँ, अगर मेरे अंदर वो गाली नहीं है, मैनू डर लग रहा कि मैं की कहूँगा, मैं सच्चा है नहीं, मैनू खुद पर विश्वास नहीं है, तो मैं समझना कि कितने ना कितने गड़बड़ी जरूरी है, या साड़ी बंदगी गड़बड़ी है, या साडे जो परिस्थिति होंगी इबादत होंगी उस गड़बड़ी है, या साड़ी तलीम दे विच गड़बड़ी है, या साडे पुरखियां ने बाप दादियां ने सानू जो दसिया वो सानू दसिया नहीं, चंगी तरह नहीं दसिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जो असी ये नहीं कह पा रहे, सोच नहीं पा रहे, दस नहीं पा रहे कि असी सच्चे हैं या झूठे हैं, असी सच्चे हैं या झूठे हैं। और जिन्हों ये लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं है, ना सच्चा है ना झूठा, तो उन्होंने मैं तुम्हें कहना चाहना है कि तुम एक कलाम को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये कलाम सानू दसेगा कि असी झूठे हाँ या सच्चे हैं, एक कलाम सानू दसेगा कि असी झूठे हाँ या सच्चे हाँ। ये वो गल्लां लिखिया हुई जिहड़े साडे चरित्र दा पैमाना ने, ये गल्लां लिखिया हुई जिहड़ियां सानू दस दियां ने कि सानू रब कितना मिल सकता, स्वर्ग सानू कितना मिल सकता, असी किहड़े चंगे काम करांगे या पुन खटांगे उहदे राहीं असी स्वर्ग दे विच जावांगे। ये परमेश्वर का मन लिखिया होया, ये परमेश्वर दियां गल्लां लिखिया होईयां, ये परमेश्वर ने की काम किए वह लिखिया है, ये परमेश्वर कहो जहाँ दिखता है वह कहो जहाँ है, उन्हें मनुख नू किस नाई बनाया, उन्हें किन्ना सजाया, ये लिखिया है, ये परमेश्वर के दासा ने किहड़े काम किए वह लिखिया है, ये परमेश्वर के चमत्कारा के विषय में लिखिया होया है। ये परमेश्वर ने जो इजरायली जनता नू मिश्र की गुलामी के कढ़ के बाहर लेके आंदा और मिश्र की जनता के उत्ते जो ने कहर टाया, ये वो लिखिया है कि अपनी इजरायली जनता नू वो किस नाई कढ़ के लेके आया, आकाश तो मन्ना उन्हें बरसाया, चट्टान विचों पानी कढ़िया, लाल समुद्र सुके कदम उन्होंने लाल सागर पार करा दिता, ये वो गल्लां लिखिया हुई, ये गल्लां लिखिया हुई। इस करके साडे शरीर तो है, साडा मूँह जिहड़ा वो तो है, लेकिन एक खाली बंदूक वर्गा है, क्योंकि वचन सानू ये कहता है पौलुस इफिसियां की पत्री उहदी 6 बाब उहदी 10वीं ऐत तो अगे लिखता है कि तुसी परमेश्वर के अपार सामर्थ नाल बल ग्रहण करो, क्योंकि साडी लड़ाई निरे मनुखां नाल नहीं है, साड़ी लड़ाई आकाश दियां दुष्ट आत्मा नाल है, साड़ी लड़ाई इस दुनिया के अधिकारियों के नाल, शासकों के नाल, प्रशासकों के नाल है। जेकर तुसी परमेश्वर के हथियार धारण कर लो, विश्वास की ढाल अपने उत्ते पा लो, शांति सुसमाचार के जुत्ते तुसी पा लो, सत का कमरबंद कस लवो और मुक्ति का टोप तुसी पा लो, और जेकर तुसी आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लैके अगे वधो, तो तुसी शैतान की धूर्तना का सामना कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, दुनिया ना नहीं लड़ पाओगे, बुराई ना नहीं लड़ पाओगे, प्रलोभन ना नहीं जित पाओगे। इस करके इन्हां हथियारों नू सानू चुक के रखना है। बोलो आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका वचन अपने घर में अपने जीवन में बयां करूंगा। हालेलुया। हे प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया। साधना का आयोजन किया जाता है, संगत लाई जाती है कलाम सुनने दे वास्ते, की सुनते मैनू पता नहीं, की सुनना चाहते मैनू ये भी नहीं पता, सुनाने वाला की तुहानू सुनाना चाहता वह भी मैनू नहीं पता है, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन बोलिया जाता है तो वह मनुख नू बदले बिना नहीं रहिंदा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन दे विच ये सामर्थ है,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚੈਪਟਰ 16 ਵਰਸ 12 ਚੈਪਟਰ 16 ਵਰਸ 12 कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के शब्द ने तुम्हें चंगा किया है परमेश्वर के शब्द ने चंगा किया है भजन संहिता 107 पद संख्या 17 और उससे आगे वचन में यह लिखा है बाइबल हमें बताती है कि तुम लोगों में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे तुम लोगों में से कुछ अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाणी भेजकर कब्रों में से उनका उद्धार किया कहना वाणी भेज के कब्रां दे विच्चों उन्हें मुर्दियां नू कढ़िया बार वाणी दे नाल आपको पता है कि लाजरस 4 दिन का मोया हुआ था और कब्र में पड़ा हुआ था यीशु ने वचन बोला लाजर बाहर आ जा और मुर्दा बाहर आ गया जेरुस के घर में यीशु खड़ा हुआ था उसकी 12 वर्ष की बेटी जो थी वो मुर्दा पड़ी हुई थी मर गई थी लोग विलाप कर रहे थे यीशु अंदर गया कहने लगा नाना रोते क्यों हो लड़की तो सो रही है बोले और उसने लड़की से कहा ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो तालिता कुम्मी अर्थात ओ लड़की मैं तुमसे कहता हूँ उठो और वो उठ बैठी वो कहे तो दिन है वो कहे दिन है तो दिन है वो कहे रात है वो कहे उठ जा तो उठ जा वो कहे जी जा कहे बाहर आ जा तो बाहर आ जा मैं तुमसे कहता हूँ ए गुंगे बहरे की आत्मा इसके अंदर से निकल जा वो निकल गई तो परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाया लोगों को जिलाया और लोगों को चंगा किया प्यारे भाइयों और बहनों इसलिए इस वचन को सबसे पहला आदर सम्मान अपने घर में देना आज के बाद आप जब भी चर्च जाएं जब भी आप बंदगी करने जाएं तो इसे साथ लेकर जाएं इसे साथ लेकर जाना दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलो हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु मैं आपका वचन उठाकर चलूंगा आपका नाम ऊंचा करूंगा हालेलुया 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 आप जो बोल रहे हैं वो करना है ठीक है आप जो बोल रहे हैं वो करना है शायद मैं समझता हूँ कि आज की हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो वचन को घर में खुद बोलने की पढ़ने की और सुनाने की राह चलते बैठते उठते समय इन बच्चों को बताने की नहीं तो आने वाले समय में ये आपसे पूछेंगे मम्मी हमें बताओ कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया पापा हमें बताओ कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है आपको मालूम नहीं होगा तो आप इन्हें क्या बताएंगे आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया इसलिए मोबाइल से खेलता है आपने अपने बच्चे को साइकिल दिया इसलिए वो साइकिल के पीछे रहता है आपने अपने बच्चे को चीज़ें दी इसलिए चीज़ों के पीछे रहता है आपने शायद उसको बाइबल उसके हाथ में नहीं थमाई इसलिए उसके हाथ में बाइबल नहीं है ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है मैं नहीं कहता कि चीज़ें मत दो परंतु मैं ये ज़रूर कहता हूँ सारी चीज़ों के साथ सबसे पहले उसे ये बाइबल देना सिखाइए ये बाइबल देना सिखाइए मेरी बाइबल काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसके जो पेपर हैं लौटते लौटते ये ना फट गए हैं लेकिन इससे इतना मैं रिलेटेड हूँ कि जहाँ भी खोलते हैं वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है मतलब इतना ज़्यादा इससे वो इसको छोड़ने को मन नहीं करता भले फट गई है मैं कई बार सोचता हूँ नहीं लूँगा तो पलटेंगे कैसे उसे देखेंगे कैसे इसके पीछे भी एक राज है मैं बताता हूँ आपको जितनी ये पुरानी होगी उतने आप नए होंगे समझ आई गल जिन्नी एक किताब पुरानी होएगी ओने तुसी नवे होगे क्यों वचन सदा एक रूप रहिंदा है वचन कदी पुराना नहीं हुंदा है वचन भावें नवी किताब चोए भावें पुरानी चोए
फर्क सिर्फ इन्ना होंदा है कि किताब बच्चे दी जिन्नी पुरानी हुंदी जाएगी उन्नी ज़्यादा उनू याद हुंदी है और वो सब चीज़ उतों नू याद कर सकता है। इस करके इस पवित्र ग्रंथ नू पढ़ना, इस पवित्र ग्रंथ नू रोज़ जेड़े पढ़ सकते हैं बच्चे पढ़ सकते हैं इनू पढ़ना। और ये बाद मेरी तुसी अगर बाइबल देखोगे तो सारे पासे और रंगी हुई है, जितों खोल दोगे उधर ही रंगी हुई है। जिदों तुसी इनू रंग दे जे अपनी जिंदगी दे विच भी कई एहोजियां गल्लां जिन्हां नू आपां रंगने हैं, जहाँ जहाँ आप निशान लगाते हो वो वचन आपकी जिंदगी से ताल्लुकात रखता है, वो वचन आपकी जिंदगी से संबंध रखता है, उन वचनों को आप जानते सुनते और पढ़ने लगते हैं। इसलिए इस वचन को हमेशा अपने साथ रखो, इसको पढ़ो और वचन के द्वारा आप शिक्षा लो। लोगों के पीछे मत भागो, आप लोग प्रभु के पीछे भागना शुरू करो। तो मैं आपसे कह रहा था तीन चार बातें मैं हमेशा बताता आया हूँ हर सत्संग से पहले, और आज फिर से एक बार फिर दोहराता हूँ कि प्रभु ये कहता है तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊंगा, तू मेरा नाम ऊंचा कर और मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तू मुझे खुश रख और मैं तुझे खुश रखूंगा, तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूंगा, क्योंकि जो डाली मुझ में नहीं रहती वो कभी फलती नहीं है। अगर तेरे घर में प्रार्थना है तो तेरे घर में सामर्थ्य भी ठहरेगा, तेरे घर में सामर्थ्य भी रहेगा। और अगर तेरी जिंदगी में आराधना है, एडोरेशन है, तो तेरी जिंदगी में छुटकारा और चंगाई हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। कहता है कि अभिषेक और पवित्रता दोनों साथ साथ चलते हैं। पवित्रता और अभिषेक अलग अलग नहीं रह सकते, अलग अलग नहीं रह सकते। अगर पवित्रता होगी अभिषेक आगे आगे चलेगा, धार्मिकता होगी ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आएगी। बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और ईश्वर की महिमा तेरे पीछे पीछे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज आप लोग इस बात को समझो, परमेश्वर के पीछे दौड़ना शुरू करो, चीजों के पीछे दौड़ना शुरू मत करिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे, गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 ऑनवर्ड्स बाइबल हमें बताती है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बोलो आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 33 पद संख्या 33 तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो। कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं वो जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम परस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ, देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 का दूसरा भाग मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उसने मुझसे कहा, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ, मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। किसके पास हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ? किसके पास हैं? यीशु मसीह के पास है। मर के जिंदा कौन होया? यीशु मसीह।
वो प्रभु यीशु ये कह रहा है, जब यूहन्ना वो दृश्य देख रहा था, विजन देख रहा था, तो उसने लिखा है, यूहन्ना ये लिखता है कि मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ किसके पास हैं? मेरे हाथ में हैं। मैं मर गया था, मैं जी गया हूँ और मैं जिंदा हूँ, इसलिए तुम भी जिंदे रहोगे। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की इस संगति के दौरान मैं परमेश्वर का वचन आपसे साझा कर रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम जीवित परमेश्वर का प्रचार करते हैं। वो यीशु मसीह जो मर गया था, लेकिन ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से उसे मुर्दों में से जिलाया और वो जीवितों का परमेश्वर है, हम उस जिंदे खुदा का प्रचार करते हैं। प्रेरितों के कार्यकलाप में बाइबल हमें बताती है, चेलों ने ये कहा कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने जो अनुभव किया, उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। कहता हमारे लिए असंभव बात है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने अपनी उम्र के हिसाब से पिछले 30, 40, 50 साल, 70 साल, 80 साल से वचन सुना है, आपका अनुभव क्या कहता है? आपका अनुभव क्या कहता है? आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी तालीम क्या कहती है? आपका परमेश्वर में उठना बैठना, चलना फिरना क्या कहता है? आपकी बुलाहट आपसे क्या बातें करती है? क्या आप निर्भीकता से, बिना किसी डर से आप परमेश्वर का कलाम बोल सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं मैं सच्चा मसीह हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं उसका सच्चा शागिर्द हूं, उसका सच्चा अनुयायी हूं? प्यारे भाइयों और बहनों, चेलों ने जब आत्मा उनके ऊपर उतर आया तो उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने कहा कि हम जीवितों के परमेश्वर का प्रचार करते हैं। इसलिए ओ सुन लो, ओ सभा के लोगों सुन लो, हमारे लिए चुप रहना असंभव बात है। कहता हमारे लिए चुप रहना असंभव बात है। एक एक मसीह को जब वो परमेश्वर की हजूरी में आता है, उसके वचन को जान जाता है, उसको समझ लेता है, तो मेरा विश्वास है और मैं चाहता भी हूं कि आप भी उसे अंगीकार करें। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यीशु ने सारी दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया, यीशु ने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, यीशु ने मेरे और आपके लिए सलीब उठाई, यीशु ने मेरे और आपके लिए अपने भारी कंधों के ऊपर वो क्रूस उठाया जो सारी मानव जाति के पापों का बोझ था, सारी मानव जाति के पापों का बोझ था। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछना, अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं जो सुनता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जो इबादत करता हूं, या मैं जो प्रभु की बंदगी में रहता हूं, क्या सचमुच में यह मेरे जीवन में काम कर रहा है या नहीं? क्या मैं सचमुच में ईश्वर की कृपा में बढ़ रहा हूं या नहीं? आपको अपनी कृपा का लेवल चेक करना है, अगर आपको अपनी ग्रेस का लेवल चेक करना है तो इस वचन को आप पढ़ना शुरू करिए। आपको बताएगा कि आपकी ग्रेस और कृपा आपकी जिंदगी में कितनी आई है। उम्र के हिसाब से मैं समझता हूं हर व्यक्ति की जिंदगी में ग्रेस का लेवल बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? संत पौलुस ये कहता है, देखो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं यूं ही काम करता। अब कहता मैं सयाना हो गया हूं, अब मैं सयाना हो गया हूं। आप लोग जो सयाने हो गए हैं, वचन को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, अनुभव कर करके, उसका जो ज्ञान आपको मिल गया है, अब उसे जीना शुरू करिए, उसे जीना शुरू करिए, इस वचन को सुन के आत्मसात करना शुरू करिए उसको। और जब ये आत्मसात हो जाता है तो इसे बाहर अपनी जिंदगी में चरित्रार्थ करना, मतलब एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना, खाली इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं, इधर से सुन के इधर से निकालना नहीं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज बताना चाहता हूं कि जमालपुर की कलीसिया के लिए और पूरे दुनिया की कलीसियाओं और लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। और यूहन्ना की अंजील उसकी 3 बाप उसकी 16वीं आयत में यह लिखा हुआ है
कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। शायद आप में से कोई होता तो मना कर देता, ना 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 ना, मैं अपना बेटा दूंगा, ना 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 ना, मैं अपनी बेटी कुर्बान करूंगी, ना 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 ना, मैं अपनी बेटी बेटा कुर्बान नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको आबाद करने के लिए, गुनाहों से आजाद करने के लिए, गुनाहों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि बिना लहू बहाए पापों का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ लेविटिकस, लेव व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि जब बलि चढ़ाया करता था, एक निर्दोष मेमना लेता था, उसका वध किया जाता था और संगत वहां पर रहती थी, और उसके बाद वो उनका लहू लेकर संगत के ऊपर छिड़कता था, ये सोच के, ये समझ के कि इस लहू के द्वारा लोगों के पाप क्षमा हो गए, वो शुद्ध हो गए, वो पवित्र हो गए, वो पवित्र हो गए, वो पवित्र हो गए। और वही लहू यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की, बेइंतहा प्यार किया उसने आपसे और मुझसे, इतना प्यार किया, इसलिए वो कहता है बेटा अशोक तुझे जाने नहीं दूंगा कहीं मैं, ना तो तुझे अमीर बनाऊंगा और ना तुझे गरीबी दूंगा मैं। और स्त्रोतकार भी ये कहता है, प्रभु ना तो मुझे अमीरी दे ना मुझे गरीबी दे, अमीर बन के कहीं मैं खो ना जाऊं और गरीब बन के मुझे कहीं भीख ना मांगनी पड़े, तो मुझे इतना दे जितना मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मसीहों को परमेश्वर कभी भूखा नहीं रखता है, कोई भी मसीह उनके लिए वो व्यवस्था करता है, अपने लोगों के द्वारा, डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा उनके लिए व्यवस्था करता है। कोरोना के समय में मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति भूखे सोया होगा या भूखा रहा होगा, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। लेकिन इतना जरूर है कि वो ये जरूर कहता है कि मैं इन्हें उतना ही दूंगा जितना ये इनके लिए जरूरी है, ताकि ये कहीं दूर ना चले जाएं, मुझे छोड़ के ना चले जाएं। ये भी उसकी बात है कि वो इतना प्यार करता है, वो ये कहता है कि अगर मैंने इन्हें 2-4 करोड़ रुपए दे दिए ये तो पंख लगा के उड़ जाएंगे, मैं इन्हें कहाँ ढूंढूंगा, बोलेंगे कहाँ ढूंढूंगा इन्हें, ये तो चले जाएंगे, ये तो उड़ने लगेंगे, इसलिए इनको क्या करना है, इतना नहीं देना है, इनको उतना देना है ताकि ये मेरी हुजूरी में रहें, ये मेरी हुजूरी में रहें। इसलिए आप देखो कोई है बहुत बड़े बड़े, कोई मसीहों में लोग कोई है बड़े बड़े उद्योगपति या कोई है ऐसा, मुझे तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भूखा नहीं सोता, परमेश्वर का शागिर्द कोई, उसके भक्त कोई भूखा नहीं सोता है, वो उनके लिए प्रबंध करता है, क्योंकि उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया उस पहाड़ी के ऊपर जहां पर मेमना नहीं था, इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए इब्राहिम उसे ले गया था, और जैसे ही ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलि करने के लिए तैयार हो गया, और वो जैसे ही उसका वध करने जा रहा था, परमेश्वर ने कहा नहीं मैं जान गया हूं, इब्राहिम बच्चे पर हाथ मत डालो, मैं जान गया हूं कि तू मुझे बहुत प्यार करता, तू मुझे बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, एक मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ था, इब्राहिम ने उसे निकाला और उसको प्रभु के लिए बलि चढ़ा दिया, और उस जगह का नाम बाइबल कहती है इब्राहिम ने उस जगह का नाम परमेश्वर का प्रबंध रखा, कि परमेश्वर प्रबंध करता है, अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है, अपने शागिर्दों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए। अब सवाल ये आता है कि परमेश्वर हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है, इतनी मोहब्बत क्यों करता है। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, ईश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी और उसमें जीवन आ गया। परमेश्वर ने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बनाया, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, और उसके नथुनों में प्राणवायु फूंक दिया और वो मिट्टी का पुतला जो था वो सजीव प्राणी बन गया, चलने फिरने लग गया।
अब परमेश्वर इसलिए हमसे इतना प्यार करता, हमें वो चाहता है कि जिस आत्मा का समावेश उसने हम में किया है अब वो उसके पास जाए, फिर से उसके पास लौटे। इसलिए याकूब का ग्रंथ, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 5, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे लिखा है, क्या आप समझते हैं कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया है वो उसको अपने लिए चाहता है? ईश्वर हमारी आत्मा को अपने लिए वापस चाहता है। तो हमारी आत्मा जो है वो प्रभु की है, इसलिए यीशु मसीह ने ये कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे, क्योंकि परमेश्वर उसे साफ सुथरा पवित्र वापस चाहता है। इसलिए यीशु ने बार बार कहा, प्रार्थना करते रहो। यशाया नबी लिखता है अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित करो क्योंकि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। जागते रहो, पवित्र बनो जैसे पिता पवित्र है, क्योंकि वो ईश्वर हमारी आत्मा को अपने लिए वापस चाहता है। और भजनकार ये कहता है, स्तोत्रकार ये कहता है कि मेरी आत्मा तेरे लिए ऐसे प्यासी रहती है जैसे जलधारा के लिए हिरणी तरसती है। और जब तक ये उसमें जाके रेस्ट ना कर ले तब तक मेरी आत्मा बेचैन रहती है, विचलित रहती है। इसलिए दाऊद ये लिखता है, स्तोत्र में लिखता है, भजन में लिखता है, जबूरों में ये लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, वो मुझे हरी चराइयों में लेकर जाता है, वो मेरे लिए खाने की व्यवस्था करता है, मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, मेरे देखते देखते मेरा प्याला लबालब भर देता है, मुझे चाहे अंधेरी घाटियों से होकर जाना क्यों ना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों याद रखिए, जब जब इंसान ईश्वर से दूर होता जाता है तब तब उसकी जिंदगी में अशांति आने लगती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर डाली गई है, वो सांसें हमारे अंदर डाली गई हैं, और जैसे जैसे ये आत्मा ईश्वर की हजूरी से दूर होती है वैसे वैसे ये तड़फने लगती है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, लूका की अंजील में हम उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ते हैं। जब तक वो पिता के साथ था, जब तक पिता के घर में रहता था तब तक वो आनंदमय था, तब तक प्रसन्न था, भरपेट खाता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को अपने पिता के घर से अलग करना शुरू किया उसकी जिंदगी में क्या आना शुरू हो गया? अशांति, भूख, बेचैनी, गंदगी, लूटपाट, चोरी, नशा, मित्रों के साथ हर प्रकार की अश्लील हरकतें, और वो परमेश्वर से दूर होता गया। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कोई व्यक्ति उससे अगर दूर चला जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, उसकी क्या दशा होती है। ये जानना चाहते हैं तो आप उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़िएगा, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़िएगा। एक दिन जब वो अकाल पड़ा, उसे काम नहीं मिला, तो उसे एक घर में सुअर चराने का काम मिल गया। उस घर के मालिक ने उससे कहा कि देखो मेरे बाड़े में जाकर मेरे जानवरों की देखभाल करो। खाना उसको मिलता नहीं था, उसे वही खाना जो जानवर खाते थे वो खाना पड़ता था, लेकिन उसको वो भी खाना अच्छी तरह से नसीब नहीं होता था। इतनी तंगी आई, इतनी तंगहाली में था कि उसे होश आया और कहने लगा, मन में ये सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहाँ मर रहा हूँ, मेरी जगह यहाँ नहीं है, मेरी जगह यहाँ नहीं है। कहता मैं उठूँगा, मैं जाऊँगा, मैं अपने पिता से कहूँगा
कि पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। पिता बड़ा दयालु था, पिता बड़ा दयालु था। उड़ाऊ पुत्र क्यों ऐसा कहने में समर्थ हुआ? क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता दयालु है। पहली बात, उसे पता था कि उसका पिता धर्मी है, उसे पता था कि उसका पिता माफ करने वाला है, उसे पता था कि उसका पिता बड़े जिगर वाला इंसान है, इसलिए वो इन चीजों को नजरअंदाज करेगा, उसको माफ करेगा। क्या आपको पता है कि हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है? क्या आपको पता है कि हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है? क्या आपको पता है हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम करने वाला है? क्या आपको यह मालूम है कि हमारा स्वर्गीय पिता उद्धार करता है? क्या आपको यह पता है कि वह परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है? कोड़ियों को चंगा करने वाला, मफलूसों को बहाल करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, पैरों को कान देने वाला और लंगड़ों को पांव देने वाला परमेश्वर है। अगर आपको मालूम है तो आप भी उड़ाऊ पुत्र के जैसे उठेंगे और जाएंगे और आप कहेंगे कि हे पिता, मैंने जाने अनजाने में गुनाह किया है, मैं तेरा बेटा तेरा शगिर्द कहलाने लायक नहीं हूं, इसलिए मुझे माफ कर, मेरे पति को माफ कर, मेरे बच्चों को माफ कर, मुझे माफ कर और मुझे अपनी हजूरी में रहने दे, मुझे अपनी सिताइश करने दे, मुझे अपनी बंदगी करने दे, जिससे कि मैं तेरे घर में रहकर तेरी आराधना कर सकूं और तेरी स्तुति कर सकूं। क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है और जब वो उससे अलग होती है तो हमारी जिंदगी में कष्ट, चिंता, परेशानी अवश्य आने लगती हैं। इसलिए बाइबल ये कहती है, जबूर 49 साम नंबर 49 पद संख्या 8-9, जबूर 49 उसका 8वां पद और 9वां पद लिखा है, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य ना तो, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता, अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का, और ना उसके जीवन का मूल्य, मूल्य ईश्वर को दे सकता है, ईश्वर को दे सकता। प्राणों का मूल्य, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि किसी के पास, कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रियजनों याद रखो, याद रखिए, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक बार मिलया दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिलया दोबारा नहीं मिलेगा। राजियां दी पोथी दे विच असीं पढ़ने हाँ, नबी हिजकिया दे बारे च लिखिया कि नबी हिजकिया एक बारी बीमार पै गया और कंध वल नूं मूंह करके गोडे टेक के रोण लग पिया और कहण लगा कि परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहुंदा है, क्योंकि यशाया ने उन्हूं जाके आख्या ही, अज तो कुछ दिनों दे बाद तेरी मौत हो जाएगी। ये परमेश्वर दा कहना है। हिजकिया घबराउण लग पिया, डर गया पर कंध वल मूंह करके रोन लग पिया, पश्चाताप करन लग पिया, परमेश्वर दे गाड़ी गोडे टेक के माफी मंगन लग पिया कि मेरे जवानी दे दिनां नूं याद कर, मैं अपनी जवानी दे दिनां दे विच आहे एहो जे काम कीते, मैं उपवास कीते, प्रार्थना कीते और इन्निया चंगे काम कीते। परमेश्वर नूं ओहदे उत्ते तरस आ गया और परमेश्वर ने यशाया नूं कहा, जा उन्हूं कह दे जाके वह 15 साल तक होर जिएगा, मैं उन्हूं 15 साल का जीवन उन्हूं होर बख्शना है, वह नहीं मरेगा। यशाया अजे घर भी नहीं पहुंचिया है कि परमेश्वर की वाणी उन्हूं इस वो कन्ना दे विच पैंदी है और यशाया हिजकिया को जांदा और कहता है कि परमेश्वर ने यह किया है कि तू 15 साल तक होर जिएगा, अजे तू नहीं मरेगा। इस जिंदगी बड़ी अनमोल है, इस करके इस जिंदगी नू दिना नू और टाइम नू जाया नहीं करना। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है।
उपदेशक ग्रंथ बुक ऑफ एक्लेसियास्टस जिन्हों कही दें उपदेशक ग्रंथ उदे च लिखिया होया है कि ए नौजवान तू अपनिया अखां दियां अभिलाषा नू पूरा कर तू खा पी ऐश कर लेकिन ये याद रख कि तेरे कोलों तेरे आचरण का लेखा मंगया जाएगा तेरे कोलों तेरे आचरण का लेखा मंगया जाएगा इस करके तू अपने जवानी दे दिनां दे विच परमेश्वर नू अपने सृष्टिकर्ता नू याद करी उनू कदे ना भुलाई इत लिखिया होया मैं तुहाडे लई वचन पढ़ांगा उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 बुक ऑफ एक्लेसियास्टस चैप्टर 11 वर्स 9 युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा याद रखो कि ईश्वर तुमसे तुम्हारे आचरण का लेखा मांगा जाएगा इसलिए अपनी जवानी में अगले वचन में लिखा है अध्याय 12 पद संख्या 1 में अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखना कहता है जो तूने जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो बुढ़ापे में तेरा तुझे कौन देगा जो तेरे पास है वो भी तुझसे ले लिया जाएगा जवानी में हम लोग क्या इकट्ठा करते हैं पैसा इकट्ठा करते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं इधर उधर क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या इकट्ठा करना है जवानी में तालीम अच्छे संस्कार विश्वास पवित्रता वफादारी ईमानदारी प्रभु के साथ प्यार उसके साथ जुड़े रहना इन बातों को अच्छी संस्कारों को इकट्ठा करना क्योंकि जिंदगी में सब कुछ लुट सकता है लेकिन जिस व्यक्ति के जिंदगी में संस्कार हैं ज्ञान है वचन है ईमानदारी है पवित्रता है उससे कोई भी उसे छीन नहीं सकता है इसलिए उस चीज के लिए मेहनत करना हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हालेलुया हालेलुया अब आप कहेंगे कि फादर जी आपने बहुत सी बातें कही हमको कि परमेश्वर का हम आदर करें परमेश्वर को प्रथम स्थान दें वचन को उठाएं और हम ये सब कैसे कर सकते हैं हम ये सब कैसे कर सकते हैं तो लिखा है कि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना सामुएल नबी का ग्रंथ पहला ग्रंथ सामुएल नबी का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 सामुएल नबी का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 लिखा है कि जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं जो मुझे तुच्छ जानते हैं वो भी तुच्छ समझे जाएंगे बच्चों सुनो ध्यान से नौजवानों सुनो ध्यान से परमेश्वर कह रहा है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं भी उसे तुच्छ समझूंगा परमेश्वर की बातों का ठट्ठा नहीं किया जा सकता उसका मजाक नहीं किया जा सकता क्योंकि बाइबल ये कहती है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 उसकी पद संख्या 22 और उससे आगे कि जो इस संहिता के शब्दों का आदर नहीं करता उसका पालन नहीं करता वो व्यक्ति श्रापित है वो व्यक्ति श्रापित है बुक ऑफ ड्यूट्रोनमी चैप्टर 27 वर्स 22 लिखा है कि जो इस संहिता के नियमों का पालन नहीं करता उसका आदर नहीं करता वो श्रापित है इसलिए बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की इन बातों का पालन करें आदर करें उसे समझें और ईश्वर को सबसे पहला स्थान लें ये पहला वचन दूसरा वचन थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 और उससे आगे कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो बोलो आमेन आमेन हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हालेलुया 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 मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा लिखा है भाइयों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा
इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में मैं आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग ये कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उस गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वो उससे नहीं बच पाएंगे। पद संख्या 5 में लिखा है, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए दूसरों की तरह सोए नहीं, हम जागते रहें। कहता है जागते रहो, जो सोते हैं रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वो रात को मदिरा पीते हैं, लेकिन हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर कहता सतर्क रहो, कहता बी केयरफुल। जो वचन हम सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, पत्रस भी ऐसे ही वचन सुनाया करता था, और बाइबल कहती है जब लोग पत्रस के मुख से आत्मा से भरा हुआ वचन सुनते थे तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ते थे, और संध्या के समय उस वचन के इतना उसका प्रभाव होता था कि संध्या के समय लगभग 3,000 लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया। तो मैंने कहा कि ये दूसरी बात है जो परमेश्वर चाहता है कि आप जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। तीसरी बात, तीसरा वचन है थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 और उससे आगे। अध्याय 4 पद संख्या 3 और उससे आगे लिखा है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, आप लोग पवित्र बने। ये तीसरा संदेश है आज कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई वासना के वशीभूत ना हो। ये आपको तीसरा काम करना है। चौथा काम आपको करना है, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 लिखा है, आप लोग हर प्रकार की मलिनता बुराई दूर करें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन, आपके वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन। मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसकी 6 बाब उसकी 63वीं आयत में लिखा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस में कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक लोग विश्वास नहीं करते। तुम में से बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। आज विश्वास करना। हम प्रार्थना करेंगे आराधना के दौरान कि प्रभु हमें आपके वचन को सुनने, समझने, आत्मसात करने, उसे याद करने और अपनी जिंदगी में उसे जीने की कृपा प्रदान करो। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो भी अंधकार है, जो भी अविश्वास है, उसे दूर कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना में चलें इस समय। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाय राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा
हालेलुया, मिलकर राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला 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 यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, ताली बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु शांति देने वाला यीशु हालेलुया, गाए शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, गाए चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, जोरदार ताली बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, गाए आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया।
घुटनों पर आ जाए हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रोगी चंगे हो जाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हुए स्तुति। आपा पिता जी दया कीजिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी शक्ति से भर दीजिए सागर दया करने वाला चंगा करने वाला ईश्वर है। अपने इन बच्चों पर दया करने की कृपा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू से यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कर। तू दयावान दया का सागर है, दया करने वाला चंगा करने वाला ईश्वर है। तेरे ये बच्चे तेरी हजूरी में आए हैं, ये तेरी परस्तिश कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। इन्हें गुनाहों से आजाद कर। रोग बीमारी तंत्र मंत्र जादू टोना आकाश की दुष्ट आत्माएं हे प्रभु यीशु इनके जीवन से इन्हें आजाद कीजिए। सारी बुराई की आत्मा से इन्हें आजाद कर। तू मुक्ति दाता चंगाई दाता उद्धार करता ईश्वर है। तू हमारा रक्षक है, हम ये विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु तेरा पवित्र लहू तेरे इन बच्चों पर छिड़क देता हूँ। सिर से लेकर पांव की तलियों तक इन्हें ब्लेस कर। इनकी हड्डियों में अपना लहू बहने दे हे प्रभु। तेरी आत्मा का सामर्थ्य और तेरी महिमा इनके शरीरों में आत्माओं में प्रकट होने दे। अंधकार की सारी शक्तियों पर बीमारियों पर मैं अधिकार लेता हूँ। डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, संतानहीनता की दुष्ट आत्मा, कैंसर के रोग, ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, टीबी के रोग, ब्रेन ट्यूमर के रोग, स्किन डिसीज के रोग, बवासीर बगंदर जैसी लाइलाज बीमारियाँ हे प्रभु यीशु। शरीर की नसों का हड्डियों का सूखापन तेरे पवित्र लहू से ये चंगे हो जाएं। आत्मा का अभिषेक मिले, आत्मा का अभिषेक मिले। शरीर का सुन्नपन प्रभु यीशु, लकवे की बीमारी,
गर्भ का सोनापन, गर्भ के बंधन टूटे टूटे टूटे, जल के राख हो जाए, जल के राख हो जाए, हालेलुया हालेलुया, जल के राख हो जाए। आजाद कर तेरे इन बच्चों को, इस जगह को, इस पूरे प्रांगण को, हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से अधिकार में लेते हैं, अधिकार में लेते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पित करें, समर्पित करें प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में दें, अपने बुजुर्गों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, माता पिता को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने कामकाज, अपने बिजनेस को, अपनी मेहनत मजदूरी को, नौकरी पेशे को यीशु के हाथों में देना। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु जीवन बदलता है, उसने तमाम लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। जकेउस का जीवन बदल गया, साउल का जीवन बदल गया, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल किया। जो जो उसके हाथों में पड़ गया, उनके जीवन बदल गए। जिस जिस परिवार में यीशु गया, उस परिवार में चंगाई आई, खुशियां आई, शांति आई, परमेश्वर का नूर उस घर में चमका। यीशु ने बैतलहम की गौशाला में जन्म लिया, वो चरनी धन्य हो गई, वो चरनी प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के नूर से भर गई। यीशु ने माता मरियम और यूसुफ के घर में जन्म लिया, उनका घराना पवित्र घराना कहलाया, उनका घराना धन्य हो गया। इसलिए आज यीशु को बुलाना, वो आपके घर में आया है, वो आपके शहर में आया है, वो आपके गांव में आया है, आपको देखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपके सारी बदकारियों से आपको आज़ाद करने के लिए, अविश्वास की कमी को पूरा करने के लिए। इसलिए अंगीकार करेंगे, यीशु आया है चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। अंगीकार करना, जुड़ जाएं प्यारे भाइयों और बहनों। ये पवित्र समय है, आपके अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है। आप में से कुछ लोगों को इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर रहा है, मसा कर रहा है। इसलिए अपनी आत्मा को यीशु के साथ जोड़े रहें। द लॉर्ड इज़ ब्लेसिंग यू राइट नाउ, द लॉर्ड इज़ हीलिंग यू राइट नाउ। आप में से बहुत सी माताओं को प्रभु आशीष प्रदान कर रहे हैं। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, सबका है। पहरा हर सोचा
सच्चे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावन अपने लोगों में आया है। आज उससे पूछना, उससे मांगना। यीशु की ओर देखें, यीशु इस वक्त इस रोटी में मौजूद है, वो इस पवित्र संस्कार में इस वक्त वो हमारे बीच में मौजूद है। वो आपको देख रहा है, वो आपके दिलों का हाल जानता है, आपके घर का हाल जानता है। सैकड़ों की भीड़ यीशु के पीछे पीछे चला करती थी और उनमें से बहुत से लोग विश्वास करते और उनके कपड़े का पल्ला छूने के लिए तरसते थे। जितनों ने उसमें विश्वास किया और उसे छुआ, वो चंगे हो गए। इसलिए बाइबल हमें बताती है, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 और उससे आगे लिखा है, एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेका अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी अधिक बीमार पड़ गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था। क्या था? उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊँगी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊँगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है, मेरा रोग दूर हो गया है। उसने अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। आप में से भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो अनेका अनेक इलाज करके थक गए लेकिन बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। आप में से कुछ एक हैं जो चिंता में पड़े हुए हैं। आप में से कुछ एक हैं जो बच्चों के कारण चिंतित रहते हैं, तो कुछ अपने परिवार में मन मुटाव के कारण परेशान हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कर्ज में डूबे हुए होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ एक विश्वास नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उपवास नहीं कर पाते हैं। मन ही मन विश्वास करना और कहना, यदि मैं यीशु के वचनों को सुनूंगी, आत्मसात करूंगी या करूंगा, तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगा करेगा, मुझे चंगा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता, मैंने जो कुछ प्रार्थना में मांगा है, मैंने जो कुछ मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। आपके वचन, आपके वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मुझे चंगा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 और उससे आगे 7 से मैं पढ़ूंगा। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगला वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है, वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी, तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूब कर मर गया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु को देखकर, उसका नाम सुनकर अपदूत भी कांपते थे। शैतान डरता है उसका नाम सुनकर,
इसलिए आप सरेंडर करना, अपने आप को आज समर्पित करना। समर्पण का ये समय है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। बोलो आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तेरा वचन मुझे चंगा कर रहा है, मुझे चंगा कर रहा है, मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं चंगा हो रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। हे यीशु, हे यीशु, आपका जीवित वचन, आपका जीवित मुझे बदल रहा है, मुझे बदल रहा है। मैं अपने शरीर में, मैं अपने शरीर चंगाई महसूस कर रहा हूँ, चंगाई महसूस कर रहा। हालेलुया। 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 यीशु चमत्कार करता है। सुनिए ध्यान से, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 और उससे आगे लिखा है, लोग एक गूंगे बहरे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर कानों में अपनी उंगलियां डाल दीं और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, अफेता अर्थात खुल जा, अफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान के बंधन खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे कि वह अच्छी तरह बोला। आज आपकी जिंदगी में से भी बंधन टूटे। अफेता यीशु के नाम पर आदेश देता हूँ। गंदी बदरूहों के लश्कर, रोग बीमारी के बंधन, तोतलेपन के बंधन, कान के सुनपन के बंधन, जीभ के बंधन, यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त खुल जाए। यीशु के नाम पर बवासीर की बीमारी का बंधन अभी और इसी वक्त टूटे और जल के राख हो जाए। आमीन। बगंदर, शुगर की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, रक्त स्राव की बीमारी का बंधन आपकी जिंदगी से अभी और इसी वक्त खुल जाए। आमीन। Be healed and cleansed in the name of Jesus। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ, यीशु के नाम पर आप में विश्वास की बढ़ोतरी हो, यीशु के नाम पर आपका विश्वास दृढ़ हो जाए। आपकी जिंदगी में बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, प्रलोभन की दुष्ट आत्मा जल के राख हो जाए। आपके बच्चों को प्रभु उन्नति दे, माल डंगर खेतीबाड़ी, आपकी संस्थाएं, आपके घर, आपकी चौकने, आपके बिछौनों को परमेश्वर ब्लेस करे। बोलो आमेन। आमेन। आपकी धन संपत्ति पर लगे हुए पाप श्राप बंधन यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त टूटे। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन चंगाइयों को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। 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 प्रियजनों, समर्पित करें अपने आप को। समर्पण का ये समय है। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार और बच्चों को समर्पित नहीं किया है। मम्मी पापा ध्यान दें विशेष रूप से। अय्यूब नबी अपने जवान बेटे और बेटियों को रोज प्रभु की वेदी पर समर्पित करता था, उनके लिए बलिदान चढ़ाया करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, ये सोच के कि रात में भोज पर जाते समय, दावत करते समय उसके बच्चों ने कोई अश्लील हरकत ना की हो और कोई पाप ना कर दिया हो, इसलिए वो उनके शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करता था। अपने जवान बेटे बेटियों को समर्पित करो, छोटे बच्चों को समर्पित करो। सभी लोग हाथों को जोड़ो, हाथों को जोड़ो। इस वक्त ये पवित्र समय है, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर से जुड़ जाना। मैं प्रभु का दास आप सभी लोगों को प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ। एक याजक अपनी कलीसिया को समर्पित करे, घर का मुखिया अपने घर के लोगों को समर्पित करे, घर के दादा दादी नाना नानी अपने नाती पोतों और बच्चों को समर्पित करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त प्रभु बंधनों को तोड़ रहा है। द बॉन्डेजेस आर ब्रेकिंग राइट नाउ। आप लोगों को परमेश्वर चंगा कर रहा है। जिसका कोई नहीं है उसे परमेश्वर आकर चंगा करता है। अर्धांग रोगिनी का मेरा कोई नहीं, यीशु ने तरस खाकर उसे चंगा किया। आपके बच्चों को प्रभु यीशु सुलेमान के जैसी बुद्धि, शमशून के जैसा बल प्रदान करे, यूसुफ के जैसे वफादारी, ईमानदारी और पवित्रता प्रदान करें, और प्रभु के दासों के जैसे
उन्हें वचन के प्रति उत्साह प्रदान करे। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ, समर्पित करें प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पण का ये समय है। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो तूने समझ किया, मर्जी खुदा की नहीं थी ये जान जरा, मर्जी खुदा की जो तूने समझ किया, मर्जी खुदा की नहीं थी ये जान जरा। जो भी कमाया काम आएगा, माटी में मिलना हर एक जन को जान जरा, जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक जन को जान जरा। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का, समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। और एक बार गाएं, समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। जो उठना टेक सकते हैं टेकें, जो खड़े रह सकते हैं खड़े रहें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं इस वक्त, अपने निवेदन प्रभु के चरणों में रखें। ये पवित्र समय है पिता परमेश्वर, मैं आज विशेष रूप से जमालपुर की कलीसिया को, फादर थॉमस को, धर्म बहनों को, सभी पुरोहितों को, फादर हार्मिस को तेरे हाथों में देता हूँ। हे प्रभु यीशु, ये सारी कलीसिया
और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं इनके परिवारों को तेरे हाथों में देता हूँ, समर्पित करता हूँ। तेरा वचन कहता है याजकों वेदी के सामने घुटना टेको, मेरी प्रजा के लिए प्रायश्चित करो। मैं इनके लिए प्रायश्चित करता हूँ प्रभु यीशु, ये तेरी प्रजा है, तूने इन्हें चुना और इन्हें पवित्र किया, पवित्र करने के लिए बुलाया है, तूने इन्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, ये तेरे लोग हैं प्रभु यीशु, इन्हें अपनी मामूरी प्रदान कर, तेरी आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन पर इनके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। आप दयावान, आप दया के सागर हैं पिता परमेश्वर, इन छोटे नवजात शिशुओं पर, बच्चों पर, नौजवानों पर अधिकार लीजिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु इस पूरे धर्म प्रांत को विशेष रूप से तेरे हाथों में देते हैं, लुधियाना के शहर को तेरे हाथों में देते हैं, इन पर तेरा आशीर्वाद ठहरे, शासकों प्रशासकों अधिकारियों को हे प्रभु यीशु अपने आत्मा से अपनी मामूरी से भर, जिससे कि वह बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों की सेवा कर सकें। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, दुखियों को बीमार हैं, जिनके शरीर में बड़ी बेचैनी है, बड़ा दुख है, लकवे से पीड़ित हैं, रोग शैया पर हैं, घुटनों में दर्द है, हड्डियां छीज रही हैं, बिस्तर पर पड़े रहते कराहते हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, किडनियों के रोग, गुर्दों के रोग, हृदय के रोग, लीवर के रोग, चमड़ी के रोग, ब्रेन ट्यूमर की गांठें, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से उसके लहू से जल के राखो, रसौलियाँ यीशु के लहू से जल के राख हो जाएं, फलोपियन ट्यूब की सूजन और जितने भी बंधन हैं अभी और इसी वक्त यीशु के पवित्र लहू के वसीले से खुल जाएं, उसके पवित्र लहू से शुद्ध हो जाएं, चंगे हो जाएं। जिनके शरीर में बड़ा कष्ट है, दुख है, हड्डियों के रोग हैं, कैंसर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी है, यीशु इन्हें शुद्ध कर, आपने शारीरिक चंगाई लोगों को प्रदान की, जो चिंता में उन्हें आज़ाद कर, जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, निराशा से पीड़ित हैं उन्हें आशा प्रदान कर, जो वचन के प्रति बड़े कमज़ोर हैं उनके मन में तेरे वचन के प्रति उत्साह पैदा कर, उन्हें विश्वास का वरदान दे। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए, जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो गए हैं प्रभु हमें क्षमा कर, चाहे वो अश्लीलता हो, चाहे बुराई हो, ईर्ष्या हो, घमंड हो, द्वेष हो, घृणा हो, निंदा हो, यदि जाने अनजाने में हमने ऐसे बुरे काम किए हैं, यदि भ्रूण हत्या की है प्रभु आज माफ़ करे, यदि गलत संबंधों में है, गलत रिश्तों में है प्रभु आपको आज़ाद करे, आपके घर में आज उसका आत्मा अधिकार ले, आपको आज़ाद करे प्रभु, हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, हमारी हड्डियों को सुरक्षित रख, हमारे सभी भाई बहनों को आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो
प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। सभी पुरोहितों के लिए आप लोग प्रार्थना करें, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के दास दासियों के लिए, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें जो उसके नाम को ऊंचा करते महिमा देते हैं। प्रभु उनके द्वारा अनेक चिन्ह चमत्कार दिखाता है। यीशु ने कहा मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान काम करेंगे। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे, वो विष पियेंगे उससे कोई हानि नहीं होगी। कहता है वो मुझसे भी बड़े और महान चमत्कार करेंगे। सच है ये वचन आज हमारी जिंदगियों में काम करे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहनों के लिए जिनको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो हमारे दुश्मन हैं उनको प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु उन पर दया करे और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा ना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ इस वक्त। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं करें, सरेंडर करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर। तू दयावान, दया का सागर है। इन्होंने तेरी हजूरी में समय बिताया है। ये अपनी आत्मा को तेरे साथ जोड़कर इस वक्त यहाँ एकत्र खड़े हैं। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हे प्रभु यीशु, तू दयावान, तू दया का सागर। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता, अर्धांग रोगियों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है। निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दे। जिनके शरीर में कमी घटी है, रोग है, बीमारी है, उन्हें आजाद कर, चंगा कर। और जो लकवे से पीड़ित हैं, रोगशैया पर हैं, उनके रोगशैया को स्पर्श करने की कृपा कर। इनकी संपत्ति पर लगे सभी पाप श्राप बंधनों को तोड़ता हूँ। इनकी आटा गूंदने की परात, इनकी चंगेर को आशीष दे। इनके माल डंगर खेती बाड़ी को अपना अनुग्रह और मसा प्रदान कर। हमारे दिलों पर कब्जा कर, हमारी रूह पर कब्जा कर। मार्गों में आते जाते समय रास्तों में हमारी रक्षा कर। हमारे घरों परिवारों पर अधिकार लीजिए। स्वर्ग दूतों का बाड़ा हमारे घर के चारों ओर होने पाए। हे प्रभु यीशु, हम पर तेरा आशीर्वाद ठहरे। तू अपने दास की प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ आराधना करें। पवित्र आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा जोरदार तालियां बजाएं प्रभु को धन्यवाद दें, जोर से तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे।